अरे ये क्या कर रही है, पागल है तू? 2000 का नोट क्यों फाड़ रही है? अब तू देख मैं ये 2000 से 4000 कैसे बनाती हूँ। पकड़। अब तुझे पता ही है कि तुझे क्या करना है। अरे वाह, क्या शातिर दिमाग पाया है। जा अब तू साइड वाली टेबल पे बैठ जा। एक्सक्यूज मी वेटर। जी मैम। जी मैम। कितना बिल हो गया आपके? टोटल 2000। वेटर मेरा कितना बिल हुआ था? मैम आपके 1200 रुपये हो गए। 1200? हाँ तो तुम मुझे 800 रुपये वापस करो ना। मैम आपने मेरे को कब पैसे दिए? अरे तुम पागल हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें 2000 का नोट दिया था। नहीं मैडम आपने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए। ये कैसी दादागिरी है तुम्हारे कैफे में? मैंने तुम्हें 2000 दे दिए थे ना। मैडम आपने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए। आप देख जवान लड़ाते हैं। कहाँ इस कैफे का मैनेजर? मैनेजर, मैनेजर क्या हुआ? मैंने मेरे ऑर्डर का पूरा पेमेंट कर दिया था और जब मैं इनसे रिटर्न मांग रही हूँ तो ये मुझे रिटर्न नहीं दे रहे। ये कैसा स्टाफ है तुम्हारे कैफे का? अरे बादल क्या बात हो गई? सर मैडम ये कह रही है कि इन्होंने मुझे पैसे दिए लेकिन इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। जो मेरे पास पैसे वो इन मैडम ने दिए थे मुझे। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, तुम्हारा वेटर कैसी बातें कर रहा है? मैडम देखिए आपको कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्या कंफ्यूजन होगा, मैं झूठ बोल रही हूँ? सर आपका स्टाफ ही झूठ बोल रहा है। मैंने अभी मेन्यू में देखा है 400 रुपये नूडल्स के और ये मेरे से 1000 रुपये लेके गया है। कोई बात नहीं मैम, एक मिनट दीजिए। बादल ये सब क्या हो रहा है भाई? जो भी बात है मुझे पूरी सही सही बता दे। सर ये दोनों मैडम आई थी और इन्होंने ऑर्डर करा था। इन मैडम का जो बिल बना था वो 2000 रुपये का बना था, वही मैंने इनसे लिए हैं। और ये मैडम कह रही है कि मैंने पैसे दिए, इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। आपको क्या लगता है ये झूठ बोल रही है? मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम हुई है, यही प्रॉब्लम सेम हुई है, क्या मैं भी झूठ बोल रही हूँ? आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत क्या है, मेरे पास प्रूफ है। वो मैंने जो उसको 2000 का नोट दिया था वो गलती से फटा हुआ था, उसके फटा हुआ जो नोट है वो मेरे पास है आधा। रुको मैं अभी दिखाती हूँ। अब अपने वेटर से कहो कि चेक करे उसके पास कौन सा नोट है। बादल चेक करो ये। देखा ये मेरा ही नोट है और मैंने ही दिया है। बदतमीज, कैफे का नाम खराब कर रहा है तू। कस्टमर है ना भगवान का रूप होता है, तू उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ओ हेलो, ये सब जो ड्रामा करना है ना ये बाद में करना है, इसको बाद में निकालना। हमें हमारी पेमेंट वापस करो हमें। ओ हेलो, अब जल्दी से पैसे वापस करो। हाँ जल्दी पैसे वापस करो। अगर पैसे वापस नहीं किए ना तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। 2 मिनट में धज्जी उड़ा दूंगी तुम्हारे कैफे की। मैम आप ना मुझे 2 मिनट दो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, मेरे को प्रूफ मिल जाएगा मैं इसको धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और आपकी सारी पेमेंट वापस कर दूंगा। अरे ये क्या कर रही है, पागल है तू? 2000 का नोट क्यों फाड़ रही है? अब तो देख मैं ये 2000 से 4000 कैसे बनाती हूँ। पकड़। ओ हेलो मैडम, किस चीज के पैसे? हमने ना पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर ली है। एक तो यहाँ बैठकर तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो ताकि पैसे ऐंठ सको और ऊपर से ये धमकी दे रहे हो। अब ना ये वीडियो मैं वायरल करूँगा, फिर देखना तुम्हारी धज्जियाँ कैसे उड़ती है। सारी गलती इसी की है, इसी ने मुझसे बोला था कि चल चल तेरे को लेके चलती हूँ, मैं 1 नोट के 2 नोट बना के लाऊंगी और बोल रही थी तेरे को 500 रुपये भी ऊपर से दे दूंगी इसमें से। ओ हेलो, तू झूठ बोल रही है? सारी प्लानिंग खुद करके, सारा मास्टरमाइंड खेल के अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है, ये झूठ बोल रही है? किसको पकड़वाओ तुम? अरे क्या समझाऊं मैं आपको, एक बार ये सब करने से पहले सोच तो लेते। अगर इस गरीब को मैं नौकरी से निकाल देता इसका, इसके बच्चे हैं उनका पेट कैसे भरता? अब है ना बहुत कुछ हो गया, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। अब जो भी करना है यहाँ पे आके पुलिस करेगी, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सर प्लीज आप फोन काट दीजिए, प्लीज प्लीज एक बार सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हमारे मन में लालच आ गया था, हम इसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। प्लीज 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 सर। कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है। और है ना माफ़ी मुझसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांगो क्योंकि तुमने गलत जो किया है ना वो इसके साथ किया है। सॉरी तुम हमें माफ़ कर दो, हमने जो करा तुम्हारे साथ आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। सॉरी प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। एक बार तो हम छोड़ रहे हैं आपको, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना।